बनारस के दक्षिण में 13 किलोमीटर दूर सारनाथ में स्थित एक स्तूप है जिसे धामिक स्तूप के नाम से जाना जाता है। यह स्तूप सम्राट अशोक ने बुद्ध परिवर्तन के बाद बनवाया था। यह ठीक उसी जगह पर है जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम बार उपदेश दिया था। जीवन के प्रारंभिक काल में सम्राट अशोक एक क्रूर शासक था। उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए कलिंग पर चढ़ाई कर दी। भीषण युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए। अशोक ने यह युद्ध तो जीत लिया, लेकिन मासूम लोगों की चीखों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस स्तूप के आसपास ढेर सारी महान वस्तुकलाएं हैं जो अलग अलग राजाओं के शासनकाल में बनाई गई हैं। वो मार्ग जहां भगवान बुद्ध के चरण पड़ा करते थे आज भी वैसा का वैसा ही है। आज ये स्थान लाखों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने बोध गाया से निर्वाण प्राप्ति के बाद प्रथम बार आसन धारण किया था और वहां अपने 5 पुराने मित्रों को भी मिले थे। आज इस जगह पर उनके हजारों अनुयायी आते हैं और उनके सम्मान में पूजा पाठ किया करते हैं। सम्राट अशोक ने अशोक चक्र का भी निर्माण कराया। अशोक चक्र का निचला हिस्सा आज भी यहां मौजूद है और ऊपर का हिस्सा सारनाथ म्यूजियम में है। अशोक चक्र के बीच में बने धर्म चक्र को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच की सफेद पट्टी पर रखा गया है। अशोक चक्र में मौजूद सिंह चतुर्मुख को भारतीय मुद्राओं में भी पाया जाता है। Share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.